आईफोन खरीद लिया है। कांग्रेचुलेट मी। चंचना क्या नाम है उसका? अब जाते हैं श्रुति को सी ऑफ करके आते हैं वहाँ। तो अपनी मैगी जो है वो रेडी हो चुकी है। हॉस्टल की पहली मैगी है। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शर्मा जी की लड़कियाँ और आपका स्वागत है हमारे और एक वीडियो में। सो आज हम सुबह सुबह उठ चुके हैं। आज हमको आज हमको कॉलेज जाना है। हम रोज कॉलेज जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे बच्चे हैं। सो सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 बज के इन लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं थोड़ी सी लेट उठी, उठने के बाद ब्रश करके, एंड अभी ये लोग क्या शूट कर रहे हैं। तो शूट का क्या है, कोलैबोरेशन के वीडियोस भेजने हैं अपने को, तो वो लोग वही कर रहे हैं। सो ये देखो हमारी श्रुति दीदी को जो तो दिख रही है, ये पू जैसे नहीं लग रही? कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, पू को नहीं देखा? करूंगी पता है, आउटफिट एक तो सोच कर रखी। वो 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 ये देखो बकरी वाला बैग, बकरी वाला बैग। चलो शूट करो। और मैं अभी जाती हूँ जल्दी से फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करके जल्दी से आपसे मिलती हूँ कॉलेज के गंदे ड्रेस में। वे अपने यहाँ पे ना रोज नीचे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। यहाँ पे प्ले स्कूल है ना, उसके लिए। तो देखो कितने सारे सारे बच्चे हैं। जब हम नीचे कॉलेज के लिए जाएंगे तब सबसे मिलाऊंगी और सबको बोलूंगी हाय गाइस। सो यस आई एम रेडी फॉर माय कॉलेज। ये है हमारा गंदा सा कॉलेज का यूनिफॉर्म जो मैं बोल रही थी, मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाई करनी है तो फिर ये पहननी पड़ेगी। और उसी कॉलेज में जा रहे हैं तो ये पक्का से पहननी है। हम मास्टर्स कर रहे हैं बट वी स्टिल वेयर यूनिफॉर्म्स। बट कोई ना, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो आई एम रेडी। मैं ये क्या ही दिखा रही हूँ, अभी मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। वी हैव बॉट ब्राउन ब्रेड। हम हमेशा ना आजकल जब कॉलेज जाते हैं तो सुबह ब्राउन ब्रेड खाते हैं और जैम या फिर मेयो वगैरह लगा के खाते हैं। सो लेट्स गो एंड ईट दैट। तो ये रहा वो प्लेट जिसमें श्रुति और जेना ने खाया था। ये बनाना मेरा भी उधर पड़ा है। सो चलो ब्राउन ब्रेड खाएंगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ब्रेड के ऊपर डाल दिया शेजवान चटनी। अब इसको इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको इसके ऊपर डालेंगे और ये हमारा ट्रिपल लेयर सैंडविच हो गया और एक बनाना खा लेंगे। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, दिस इज़ वॉट आई ईट इन माई मॉर्निंग। भाई और ना हम अब जा रहे हैं बाहर में। बाहर में वो लोग अभी तक शूट कर रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट ये अभी तक नहीं आए। वो तब से एक ही पोज में हिल रही है, ये देखो, तब से वही एक ही जगह पर खड़ी है, ये भी एक ही जगह पर खड़ी है। ऊँची आ गई, पेट निकल गया तेरा, पेट निकल गया तेरा। 9:40 हो गया, 10 बजे क्लास से चलो। अगर ये लड़की कभी भी गलती से बाथरूम चली गई क्लास से पहले तो खत्म हो गया। 15 मिनट से पहले ही आती नहीं है और ऐसे ही अपने को लेट होता है। अब इतनी देर के बाद हम लोग निकल रहे कॉलेज के लिए। श्रुति वैसे आज जा रही है अपने घर, तो उसका कॉलेज बैग कम और बोरिया बिस्तर वाला बैग ज्यादा लग रहा है। नहीं, इसी में रहने दे। चलो ये देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कॉलेज यूनिफॉर्म में। गाइस मैंने आईफोन खरीद लिया है। कांग्रेचुलेट मी, दिस इज माय न्यू। मैंने बोला वो जो क्यों नहीं आती सैंड वाली, वो लगाने का मन कर रहा है। ये प्रो मैक्स लेने वाले मुझे। प्रो मैक्स? नहीं, प्रो ही ले ले, बड़ी बड़ी बात है। ये देखो बलून लाइट। गुड मॉर्निंग, हाय करो सब लोग। गुड मॉर्निंग। तो ये रहे सारे बच्चे जिनको मैं ऊपर से दिखा रही थी। ये है मैम जो पढ़ा रही है, आपको आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा, एनिवर्सरी वाले व्लॉग में। सो लेट्स गो। साइन कर दी? यहाँ रजिस्टर रहता है, वहाँ पे हम साइन करके जाते हैं जब भी कॉलेज वगैरह जहाँ जाते हैं। जेना तेरा गाड़ी आ रहा है? हाँ जेना, सामने से गाड़ी आ गया। गाना गाना श्रुति। मेरा फेमस डायलॉग आजकल का क्या है पता है? मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। और मेरा कचरा है तो मेरी। अब हम बच्चों जैसे पढ़ाई करके आते हैं, पढ़ाई करके आने के बाद में हम आपसे मिलते हैं। चलो बाय। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आर कॉलेज इज यहाँ पे ना बहुत ही मस्त पानी पूरी मिलती है और चाट की प्लेट मिलती है। सुबह मैं नहीं किया जो ये क्लास में
क्लब बिल्डिंग में, अब हमारी लिफ्ट जो है उसका वेट कर रहे हैं। हाँ ये कल हमारी लिफ्ट डांस करा रही थी, सिक्स्थ फ्लोर फोर्थ फ्लोर। ये गंदी है, चलो चलो चलो। आई थिंक सर आज के क्लास में, सो क्लास के बाद मिलते हैं गाइस। सर आ गए हैं, ब्रेक मिला है तब। सो वो देखो शूट, क्या नाम है उसका, जेना। वो देखो जेना को कॉलेज के बाहर में मेन रोड पे खड़ी और वीडियो एडिट कर रहे हैं, उसका आज अपलोड कर रहे हैं। पागल इधर आ। ये देखो कभी मेले में खो जाती है, कभी कॉलेज में खो जाती है। गधी जैसे नहीं लग रही। वो है, लगी ही क्या। हाँ देखो पता है श्रुति गधी बोल रही थी, गधी जैसे नहीं लग रही। देखना कौन गधी बोल रहा था और कौन नहीं। तू करो लड़ाई मत करो। कौन बोल रहा है दिन। यार मुझे ना, मेरे को व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है ऐसे ड्रेस में। मैं सोच रही जल्दी से क्लास खत्म और ये व्लॉग बिल्कुल नहीं। और अब हम आ गए हैं, क्या गंदा सा नहीं अच्छा सा पानी पूरी वगैरह खाने के लिए जो मैंने सुबह दिखाया था। बाय द वे अभी ये चली जाएगी, इसका ट्रेन है 1:40 पे। मैडम का डिमांड है हम इसको स्टेशन छोड़ने जाए। सो क्या नहीं करें, जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं, मैं सोच रही थी छोड़ के आ ही जाते हैं। मजाक, जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियस। हम देखो बिल एक, जहाँ जहाँ सबको ऐसे भीख मांगते हैं खाने के लिए, वो है सिर्फ ये दुकान। चलो फिर अब जाते हैं, श्रुति को सी ऑफ करके आते हैं वहाँ पे, उसको छोड़ के फिर जाएंगे क्लास करने के लिए। श्रुति मैं आ गया। सो हमारी क्लास जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, क्लास इज ओवर। से हाय भूमिका, से हाय। और ये रही हमारी जेना, वैसे हमने श्रुति को छोड़ दिया है। सो चलो अभी खाएंगे, घर जाएंगे। वैसे हम लोग ना ये बच्चों को देख रहे थे जब हम आ रहे थे, तब ये लोग खा रहे थे, अब हम जा रहे हैं तब भी ये खा रहे, कितना खाएंगे पता नहीं। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल में। आने के बाद नहा धो के रेडी हो गए, डायरेक्ट भूख लगी है जोर से, तो पहले जाएंगे नीचे। हम ना नीचे ऐसे कैंटीन में ऐसे प्लेट्स लेके जाते हैं, तो हमारे सामान खुद लेके जाते हैं, खुद ही सब करते हैं, खाना वहाँ देते हैं। आज एक्चुअली आज जीना ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने खाने के लिए, बिकॉज उसके यहाँ पे बना है इसका नॉन वेज बिरयानी। देखते हैं हमारी जैना दीदी। एंड अब हम जाएंगे पीछे कैंटीन में, बिरयानी उसके लिए बनी है, मेरे लिए शायद पनीर की सब्जी दाल चावल बनी है। सो गाइस व्हाट यू डूइंग, हाय। और अभी जैना दीदी जो है बहुत एक्साइटेड हो रही है, बिकॉज इसका बना है बिरयानी, मेरा बना है चावल पनीर और ये दाल। सो अभी हम करने वाले हैं लंच। सो या लेट्स गो। अभी हमने क्या है, ये पीछे ना लंच कर लिया, लंच करके क्या है यहाँ पे प्ले स्कूल है, तो ये बेबीज लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, तो मेरे पास एक बेबी है और जैना के पास एक बेबी है। यहाँ पे ना ये लोग रुकते हैं, इनको मतलब इनके पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पे केयर टेक करती है नानी आंटी यहाँ, जो इस रूम में ये लोग ऐसे सो रहे थे, तो इनको मैं ले आई बाहर खिलाने के लिए। अरे 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 अरे। और उधर जैना खेल रही है उसके साथ, ये पूरा चुपचाप है, ज्यादा बदमाशी। और इसका बदमाशी यार एकदम खस्ता हस्ता रहता है। दीदी पक को जाओ। अच्छा नहीं, मैं पसंद आ गई। आंटी जो है वो इनका केयर करती है। गुगुर ए प्यारे बच्चा, ये आ गया मैम का बेटा, शेर है ये तो पूरा। अब अपन जा रहे हैं अपने रूम में, प्लेट्स वगैरह धो लिए, नीचे में हमने बच्चों के साथ भी खेला। तो ये लोग क्या है ना, शाम को 6-7 बजे तक यहीं पे रहते हैं एंड फिर उनके पेरेंट्स जो ले जाते हैं, दैट्स द थिंग। सो गाइस, हाँ मेरी दोनों। सो गाइस अभी हो गई है शाम, एक्चुअली शाम को तो मैंने ब्लॉग किया नहीं, सो गई थी। उठने के बाद जैना के साथ थोड़ा नीचे गई, ऐसे ही हम लोग ने मस्ती की, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था तो ब्लॉग नहीं किया। फिर अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे जाके खाना खाएंगे हम लोग डिनर। डिनर में इसका आज बना है
रोल रोल और मेरे लिए बनना है पराठा और आलू की भुजिया। कोई बात नहीं, आज एक्चुअली नॉन वेज डे है तो मेरे लिए थोड़ा ऐसे ऐसे ही है, कोई बात नहीं चलेगा। सो लेट्स गो डाउन देयर एंड जाके खा के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। वैसे अभी हो गए रात की 12:30, मेरे को ना बहुत जोर से भूख लगी है, बिकॉज डिनर ना मैंने ठीक से किया नहीं था। सो अभी हम बनाने वाले हैं मैगी, और हमेशा के जैसे मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ ताकि हम लोग शांति से सो पाए, बिकॉज बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। यहाँ खिड़की है, वहाँ खिड़की है, वहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, यहाँ गेट है। सो क्या है ना, मच्छर पूरा भर जाता है। वैसे आज श्रुति है नहीं, तो श्रुति का बेड जो है वो खाली रहने वाला है। एंड यहाँ पे ना एक दीदी है जिनका गैस है, तो इस गैस पे बनाएंगे मैगी, हॉस्टल वाली मैगी। उधर ना बच्चों के अंदर भी जलसी रहता है। हैं? क्या कर लिया? बच्चे के साथ खेल रही थी, दूसरे बच्चे को मैं भाव नहीं थी बोल के, वो जो बच्चा रो नहीं रहा था इसको चुप करे, वो आके मेरा स्कर्ट ले लेके बोल रहे मुझे भी झुलाओ। अब उसको झुलाई बोल के आंटी का बेटा बोल रहा है, मतलब नाटक कर रहा है पूरा, बोले कि मैं गिर गया हूँ, ये वाला ड्रेस बोले आप ठाक कर। मैं बोला अबे मैं इज्जत बचाऊंगी तो क्या आप करूंगी, उठा लिया वो रो। तो अपनी गरम ना गरम मैगी बन रही है रात के 12:30 बजे, इसके बाद हम खाएंगे, हल्की हल्की खाएंगे। तो अपनी मैगी जो है वो रेडी हो चुकी है। भूख नहीं पर अभी भूख लग रहा है जरा जरा। ये पागल लड़की इसने बोला था कि इसको भूख नहीं लग रहा है, तेरे को तो बस मुंह को वो करने का था ना, तो मुंह को वो कर ले। अच्छा ठीक है, खा ले, अब तू ही तो है, खा ले मेरी जा, खा ले। हाँ, ऐसे श्रुति सी, हम तेरे बेड का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे तेरे, गिरा दे क्या? श्रुति अगर ये ब्लॉग देखेगी तो हमें मार देगी, यार तुम लोग कितने गंदे हो। पहली, इस हॉस्टल की पहली मैगी है, पहली मैगी जो हमने यहाँ बनाई है। चलो खाते, बहुत जोर से भूख लगी है। से दिन कैसे हो गया, और अभी जेना ने ब्लंडर कर दिया, बोतल गिरा दी नीचे। सो अभी हो गए दूसरा दिन, एक्चुअली कल ब्लॉक किया फिर सो गए मैगी खा के। एंड एक्चुअली आज हमारे साथ कांड ये होगा कि हम लोग क्लास के लिए लेट हो गए, मतलब 10 बजे हमारी नींद खुली। एंड उसके बाद पता चला कि क्लास में बच्चे ही नहीं आए, हमारे दोस्त ने बोला, हमने सोचा कि अब क्या ही करें, जाके रहने ही देते हैं। तो अभी बच गए दोपहर के 2 एंड हम नीचे जा रहे हैं खाने के लिए, भूख लगी है बहुत जोर से। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूसली खाई खाई रही है, बट टाइम इंटरवल भी बहुत है, ऐसा देखो सुबह से कुछ नहीं खाया। सो लेट्स गो। दिस इज आवर लंच, ये है राइस, ये है दाल, ये है फ्राइज और ये है सोयाबीन की सब्जी। सो लेट्स गो।